हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फाइनली ईद मेकअप ट्यूटोरियल। और यहाँ पे मैंने बहुत ही प्यारा आज कट क्रीज सॉफ्ट लुक क्रिएट किया है। एंड जी हाँ, बिल्कुल न्यूड काइंड ऑफ मेकअप है। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको ये लुक बहुत पसंद आने वाला है और आप ज़रूर इस लुक को कीजिएगा ईद के लिए, अगर आपको इस तरह का मेकअप लुक पसंद है। तो या अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक अचीव किया है, तो चलिए जल्दी से लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। तो पहले दोस्तों, अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जो भी मैं फ्यूचर अपलोड्स करूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे मेरी वीडियोज़। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सबसे पहले हैक यूज़ कर रही हूँ, और मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का ये एलोवेरा जेल है, जो कि मल्टीपर्पज़ ब्यूटी जेल है फॉर ऑल स्किन टाइप एंड फॉर ऑल हेयर टाइप। आप इसको हेयर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लिया है फिट मी का, जो कि है 115 आइवरी शेड में। ठीक है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ माय फाउंडेशन एप्लीकेटर एप्लीकेशन ब्रश से। ठीक है, नाउ गाइस, ये जो प्रोडक्ट है वाओ का एलोवेरा जेल, इट्स टू गुड। अगर आपकी स्किन में यू नो डिहाइड्रेशन की कमी है, आप कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं ऑक्सीडाइज होता है या बिल्कुल आपकी यू नो स्किन पे रहता नहीं है, तो आप इसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपको यू नो HD काइंड ऑफ फ्लॉलेस बेस देगा ये। ब्यूटी ब्लेंडर को आपको डैम्प करके यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मुझे फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक एंड सरप्राइज की यार, सीरियसली मैं एलोवेरा जेल वर्क्स द बेस्ट, यू नो काइंड ऑफ HD हाई डेफिनेशन लुक देगा आपके फाउंडेशन को। और यहाँ पे मैं नेक पे भी अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ दी थोड़ा सा लाइट फाउंडेशन एज कम्पेयर टू माई नेक, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा मेरा फेस जो है पिंक अंडरटोन में है, नेक येलो अंडरटोन में है। तो इसीलिए मुझे कोई भी मैं फाउंडेशन चूज़ करती हूँ थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है बिकॉज ऑफ माई येलो अंडरटोन नेक। तो कभी कभार मैं पिंक अंडरटोन फाउंडेशन भी ले लेती हूँ, जो कि लाइक फेस से तो मैच करता है बट नेक से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो इसलिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये फेस से मैच कर रहा है फाउंडेशन शेड, बट इसमें येलो अंडरटोन बहुत कम है, तो इसलिए मुझे नेक पे भी अप्लाई करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल कम्प्लीटली मैट फिनिश लुक दिया है इस फाउंडेशन और ये जो मैं हैक यूज़ कर रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई करना। सो यहाँ पे कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का कंसील एंड डिफाइन। ये फुल कवरेज कंसीलर है, आपके यू नो अंडरनीथ आईज को बहुत अच्छे से कंसील कर देगा। कंसील प्लस हाईलाइट दोनों ही काम करेगा ये। छोटी सी बॉटल है और इसमें क्वांटिटी भी काफ़ी कम है कंसीलर का, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस आई थिंक क्वांटिटी बहुत लेस है, बट अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल कंसीलर। बहुत अच्छे से आपके यू नो अंडरनीथ आईज को कवर कर देगा ये, ऑल्सो आपके लिड को भी कवर करने के लिए काफ़ी अच्छा है और हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अंडरनीथ अप्लाई किया है, आई लिड पे भी अच्छे से उसी कंसीलर को मैं अप्लाई कर रही हूँ, फोरहेड पे किया है, बिल्कुल सेंटर ऑफ माई फोरहेड पे अप्लाई करती हूँ हाईलाइट इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि इस तरह से आपके जिस जिस एरिया पे आप कंसीलर अप्लाई करोगे ना वो एरिया ज़्यादा चमकेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का लूज पाउडर और ये लाइट में है। आई जस्ट लव टू यूज़ लूज पाउडर अभी स्पेशली समर सीजन में। मेरे को विंटर्स में भी लूज पाउडर अच्छे लगते हैं, समर में भी। मैं कभी कभार मैं कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर लेती हूँ, बट आई थिंक कॉम्पैक्ट थोड़ा सा हैवी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द लूज पाउडर। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लूज पाउडर ही अप्लाई कीजिए अगर आपको बिल्कुल फ्लॉलेस वाला बेस चाहिए तो। ठीक है, फॉर दी आई मेकअप, आज का आई मेकअप जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही प्यारा सॉफ्ट कट क्रीज पीची काइंड ऑफ न्यूड काइंड ऑफ लुक मैंने क्रिएट किया है। मार्स का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है, फैंटेसी फेस पैलेट 01 शेड नंबर है इसका। ठीक है, इसमें ब्लशर है, हाइलाइटर है, ब्रॉन्जर है, सब है। तो जो ब्लशर है उसको मैंने आज एज दी आई शेडो यूज़ किया है, और सबसे पहला शेड लिया है मैंने ये पिंक, पीची पिंक है। ठीक है, उसको मैंने पूरे ट्रांजिशन शेड पे अप्लाई कर दिया है। देन सेकेंड शेड मैंने ग्रैब किया है, जो कि है ऑरेंज। ये ज़्यादा ब्राइट ऑरेंज नहीं है, बट इट्स अ वेरी सटल, कहूँगी कि पीची ऑरेंज है। तो इसको मैंने अपने हल्का सा यू नो ट्रांजिशन शेड के नीचे अप्लाई किया है, यानी कि मेरी क्रीज लाइन पे डिफाइन करने के लिए। दोनों को शेड्स को मैंने मर्ज कर दिया, बट आई एम नॉट टचिंग आईब्रो के नीचे, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ पे मैंने फर्स्ट शेड अप्लाई कर रखा है।
सो वो थोड़ा सा नज़र आना चाहिए, यानी कि आप पूरा ही दोनों ही कलर्स को मर्ज कर दोगे तो वो तो फिर डिफरेंट कलर्स बनकर आ जाएगा, वैसा नहीं करना आपको, जस्ट थोड़ा सा नीचे यू नो मर्ज करना है कलर के साथ, फर्स्ट कलर के साथ। ओके, सो यहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अब कट क्रीज बनाने के लिए, मेकअप रेवोल्यूशन का ही यूज़ किया है मैंने, और यहाँ पे मैं प्रॉपर कट क्रीज दूंगी, लीफी इफेक्ट दे रही हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आइज पे मुझे ऐसा लगता है कि जो बाकी कट क्रीज वाले लुक होते हैं ना वो इतना ज़्यादा खिल कर नहीं आता, यही मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अगर आपकी भी होडेड आइज है मेरी तरह तो आप इस तरह से कट क्रीज बना सकते हैं, ठीक है। पिंक पीच शेड है, उसको मैंने अपने इनर वी पे अप्लाई किया है, बिल्कुल सॉफ्ट इफेक्ट दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लूज फॉइल पिगमेंट, और ये है O7 में, इट्स ब्यूटीफुल गाइज, रोज गोल्ड शैम्पेन काइंड ऑफ शेड है ये, मुझे बहुत पसंद है, मेरा गो टू है, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ये, और इसका ना मतलब इतना हाईली पिगमेंटेड है गाइज, मतलब एक ही बार में ये फिंगर से इतना ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, आप देख सकते हो इतना शिमरी शिमरी इफेक्ट देगा, मैं कहूँगी ब्राइडल्स के लिए परफेक्ट है, स्विस ब्यूटी के जितने भी है ना ये लूज पिगमेंट्स आप जरूर ट्राई करना, सारे ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो फिर यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस्ड का डैम गर्ल मस्कारा, इसके हेल्प से मैं अच्छे से अपने लैशेस को वॉल्यूम दूंगी, मेरे लैशेस में बिल्कुल ही वॉल्यूम नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, और मैं ज़्यादातर फॉल्सीज यूज़ करती हूँ तो उसके वजह से भी यू नो मेरे बहुत से लैशेस भी ना टूट जाते हैं, ग्लू में चिपक जाते हैं, मैं खींच देती हूँ कभी कभार यू नो ग्लू निकालते वक्त, तो ऐसा होता है, तो आपको अपने लैशेस का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कौन कौन से ऑयल होते हैं, कैस्टर ऑयल हो गया, ये सारे आलमंड ऑयल आप लगाया कीजिए अपने लैशेस में, ठीक है। बिना लैशेस आँखें बहुत अजीब सी लगती है मेरी, ऐसे लगते हैं कि लाइक लैशेज ही नहीं है लड़की के। यहाँ पर मैं ब्राउज फिल कर रही हूँ, ये मैंने मेकअप ऑब्सेशन पैलेट लिया है, इसमें से मेरा जो फेवरेट है ब्लैक एंड ब्राउन, वो दोनों शेड्स को मैं मिक्स करके अप्लाई करती हूँ अपने ब्राउज को फिल करने के लिए। मैंने थ्रेडिंग कराया इसलिए मेरी आईब्रोज इतनी क्लीन क्लीन नज़र आ रही होगी आपको आजकल, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद थ्रेडिंग कराया तो अच्छे से शेप दे दिया मेरी पार्लर वाली आंटी ने। मैं यही मार्स पैलेट में से पिंक पीच शेड अप्लाई कर रही हूँ मेरे लोअर लैश लाइन पे, जस्ट वन शेड आई एम गोना अप्लाई, ठीक है। आप चाहे तो दो तीन कलर्स और ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक बहुत ही सटल मेकअप है तो इससे मैं एक ही सॉफ्ट सा पीची शेड अप्लाई कर दिया मैंने अपने लोअर लैश लाइन पे, और यहाँ पे कॉन्टोरिंग के लिए मैंने आई मैजिक का लिया है, ये भी मैंने अभी अमेजोन से परचेस किया है, आप ज़रूर देखना, अमेजोन मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने शेयर किया हुआ ये प्रोडक्ट का लिंक, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बट इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट गाइज, इसमें जो दोनों ही कॉन्टोर्स है ना आई लव्ड इट, मतलब इतने ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड है, और प्लस ये बहुत ही सटल ब्रॉन्जी इफेक्ट देता है लाइक सन किस काइंड ऑफ, और अभी तो लाइक मुझे नेचुरल इफेक्ट के लिए मैं यही अप्लाई कर रही हूँ ब्रॉन्जर ही, और नोज़ के लिए भी मुझे बेस्ट लगता है, वैसे तो मैं आई शेडो अप्लाई करती हूँ नोज़ के लिए लाइक डीप ब्राउन शेड हो गया उस तरह का, क्योंकि मेरी नाक मोटी है तो मुझे थोड़ा सा यू नो एक्सेंचुएट चाहिए होता है अपने नाक के लिए, और काफ़ी टाइम भी लगता है मुझे अपनी नाक को थोड़ा सा स्लिम बनाने के लिए, बट अदरवाइज़ ये पैलेट बहुत अच्छा है, आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एले गर्ल का ये कोल काजल जो कि वाइट में है, तो मैंने ब्लश लिया है सेम मास पैलेट में से, आज मैं मास का पैलेट बहुत यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट हो गया है, इसमें से मैं हाइलाइटर भी अभी यूज़ करूँगी, बट इसका ब्लश बेहद ही सुंदर है, सारे ही बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, ठीक है, सटल शेड्स एंड स्ट्रांगली पिगमेंटेड हैं, तो ये मैंने वही सेम पीची पिंक शेड लिया है जो मैंने अपने आई मेकअप के लिए यूज़ किया द फर्स्ट ट्रांजिशन शेड, उसी को मैं अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये मैं रियल टेक्निक का ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये भी मैंने अमेजोन से परचेस किया है, एंड वाला कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल न्यूड सटल ब्लशी चीक्स लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं हाइलाइटर के लिए भी यूज़ कर रही हूँ इसी पैलेट में से ही, जो कि बहुत ही प्यारा ये उनकी शैम्पेन शेड है, बहुत ही सटल हाइलाइटर है गाइस, जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना बटरी की तरह ये ग्लाइड होगा आपकी स्किन में, एंड बिल्कुल भी इसमें चंकी ग्लिटर्स नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपको बिल्कुल भी ये ज़्यादा चंकी नहीं लगेगा, या आपको वैसा नहीं लगेगा कि आपने यू नो मेकअप अप्लाई कर रखा है, बट ये बहुत ही ड्यूई इफेक्ट देगा आपके फेस पे, और जैसे ही मैंने इसे टियर डक पे अप्लाई किया ना, आई वाज लाइक माय गॉड व्हाट अ हाइलाइटर, मतलब इतना ब्यूटीफुल सटल ग्लो दे रहा है ना गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने अपने क्यूपिड्स बो पे भी लगाया लिप्स के ऊपर।
तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्लम की लिपस्टिक है ये, मैट लिक्विड लिपस्टिक, एंड ये न्यू लॉन्च है प्लम में. आई जस्ट लव दिस शेड. ये है लीची लीशियस. और यहाँ पे मेरे थोड़े कैमरे के इफेक्ट के वजह से ये शेड ऐसा लग रहा है. आप इंस्टाग्राम में ज़रूर चेकआउट करना ये शेड, मैंने वहाँ पे भी एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, लगाया हुआ है ईद लुक में. और जो शेड वहाँ नज़र आ रहा है दैट्स दी ओरिजिनल शेड. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये पीची ऑरेंजी काइंड ऑफ लगेगा, बट इट्स नॉट. ये बिल्कुल प्रॉपर जैसा होता है ना कि पीच पिंक शेड वैसा है, और बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है गाइस. ये बहुत ही सटल है एंड इट्स लाइक प्रॉपर न्यूड पीच शेड, जो कि लाइक मुझे एंटायर कलेक्शन में ये वाला शेड सबसे ज़्यादा पसंद आया प्लम का. और मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी कि आप ट्राई कीजिए शेड, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है. और जैसे ही आप अपने लिप्स पे अप्लाई करोगे ना आपको फील ही नहीं होगा, इट्स लाइक फेदर लाइक यू नो टेक्सचर है इसका, और बिल्कुल भी ये पैची नहीं लगेगा आपके लिप्स पे. इसके ऊपर मैं यहाँ पे टू फेस का लिप इंजेक्शन यूज़ कर रही हूँ, ग्लॉस, जो कि लाइक मेरी लिप्स को थोड़ा सा प्लम्पी इफेक्ट देगा. उसके लिए इसमें थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन है, बट दैट्स ओके विद मी. मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है, एंड आई जस्ट लव दैट टिंगलिंग सेंसेशन भी, बहुत मज़ा आता है मुझे. मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वर्किंग ऑन माई लिप्स, ठीक है, थोड़ा सा प्लम्पी इफेक्ट करने के लिए. देख सकते हैं अभी बिल्कुल ग्लास न्यूड लिप्स क्रिएट कर देता है ये टू फेस का जो लिप ग्लॉस मैं अप्लाई कर रही हूँ, एंड डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो. एंड ये फाइनली मेरा ईद मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है. कैसा लगा आपको दोस्तों आज का ये ईद लुक? आई होप आपको पसंद आया हो. और अगर आपको आज की ये मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आई है तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का मेकअप कैसा लगा. और अगर आप और भी ईद लुक देखना चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर बताइएगा मुझे किस तरह का लुक आप देखना पसंद करते हैं. सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.